कौन सी गलतियाँ हैं जो आम तौर पर ईमेल्स लिखते हुए की जाती हैं क्योंकि ईमेल एक रिटर्न वे ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें जो भी गलती होती है वो नुमाया होती है और वो हमेशा रहती है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम केयरफुली लिखें और केयरफुली ड्राफ़्ट करें और फिर उसको भेजें उसमें एक तो ये है कि कैपिटलाइजेशन बहुत बेसिक सी चीज़ है हम सब ने स्कूल में सीखे कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल लेकिन उसमें कई गलतियाँ हो जाती हैं ऑल कैप्स कई दफ़ा हम लिख लेते हैं वो किस वक्त लिखने चाहिए और किस वक्त नहीं पंक्चुएशन का इस्तेमाल सही क्या है लोगों के नाम और कोई मर्द है या औरत उसको दुरुस्त तौर पे लिखना ये चीज़ और उसके अलावा रन ऑन सेंटेंसेस जैसे हम बोलते हुए एक बात से दूसरी बात निकालते जाते हैं बग़ैर रुके हुए उसी तरह कई दफ़ा लिखने में भी, भी कर देते हैं दैट इज़ नॉट राइट और एब्रीविएशनस का जो एक्रोनम्ब होते हैं जैसे कि यू वग़ैरह उनका सही इस्तेमाल किया इनको तफसील में इन सारे टॉपिक्स को देखते हैं कैपिटल लेटर्स में कौन सी चीज़ें लिखी जानी चाहिए जो ये स्कूल लेवल की बात है लेकिन ये कि इसकी यादें हानि ज़रूरी है क्योंकि कई दफ़ा हम भूल जाते हैं ये हम सोचते हैं कि ऐसे ही ठीक है क्यों हमें टेक्सट मैसेज लिखने की आदत है तो उसमें बहुत सी चीज़ें गड़मड़ करके हम लिख लेते हैं और वो चल जाती हैं लेकिन ई में फॉर बिज़नेस कम्युनिकेशन इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल लोगों के नाम शहर का नाम कोई वेन्यू जैसे कि अगर आपने लिखना है मैरियट होटल तो होटल का एच भी बड़ा आएगा आ, या किसी एयरपोर्ट का नाम लिखना है तो अगर आपने लिखना है अलाम इकबाल एयरपोर्ट तो उसका एयरपोर्ट का ए भी बड़ा होगा और अलाम इकबाल का ए और आई तो बड़ा होगा ही उसके अलावा जैसे टाइटल्स हैं डॉक्टर मिस्टर मिस डायरेक्टर वगैरह या इसके अलावा कोई और भी तो उसका पहला लेटर भी कैपिटल लेटर में ही होगा स्पेशली अगर आप किसी को एड्रेस कर रहे हैं उनके टाइटल के साथ और फुल स्टॉप के बाद पहला लेटर भी कैपिटल होना चाहिए अगर आप जल्दी में लिख रहे हैं या सिर्फ छोटी सी ईमेल है उसका ये मतलब नहीं है कि आप इन रूल्स को फॉलो कर दें आपका इम्प्रेशन हर इन सारी चीज़ों के साथ दूसरे के दिमाग में पुख्ता होता जा रहा होता है सो इट्स इंपॉर्टेंट कि चाहे छोटी ई है या बड़ी है आप उसको प्रॉपरली लिखें स्पेसिफिक uh, इवेंट्स या एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि डिसेबिलिटी प्रेवलेंस सर्वे वैसे तो सर्वे छोटे ऐसा लिखा जाएगा लेकिन किसी ख़ास इवेंट uh, की बात हो रही है या कोई कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है तो उसमें कॉन्फ्रेंस का सी एजुकेशन कॉन्फ्रेंस अगर आप लिख रहे हैं वैसे तो कॉन्फ्रेंस छोटे सी से भी हो सकते हैं लेकिन अगर आप किसी ख़ास कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं जो 2017 में हुई थी तो आप उसको सी को भी कैपिटल के साथ करेंगे सो दीज आर सम थिंग्स टू बी माइंडफुल स्पेशली आप रिपोर्ट्स बनाएं प्रपोजल लिखें या कोई और इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए कोई अगर करें तो ऑल कैप्स का इस्तेमाल बहुत पॉपुलर है और बहुत गलत है अनलेस आप कोई एक्रोनम लिख रहे हो जैसे कि लम्स या यू एस ए टी एच मीन्स एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल उसके अलावा एम्फोसिस uh, के लिए किसी बात पे ज़ोर देने के लिए ऑल कैप्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसे uh, हम फॉन्ट के ज़रिए या पंक्चुएशन वगैरह से अपना वोट टोन uh, कम्युनिकेट करते हैं जो हम बोलते हुए uh, उतार चढ़ाव से आवाज़ के करते हैं तो अगर आप ऑल कैप्स लिख रहे हैं वो चीखने के या चिल्ला के कोई बात करने के मुतरद है विच इज़ वेरी रूड अक्सर लोग जो है उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी एक से ज़्यादा लगाते हैं तो ये सब बातें गैर मुनासिब हैं है, और ये आप अपने अल्फाज से उस पर एम्फोसिस करें लेकिन ये कि ऑल कैप्स वग़ैरह और ये ये रूडनेस के उसमें आता है तो ये इससे बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए अगर ज़रूरत है कोई चीज़ एम्फोसाइज करने की आइटैलिक्स कर लें अगर बोल्ड लेटर्स करने लें वो कर लें बहुत है तो अंडरलाइन कर लें बट दीज आर ऑल्सो टू बी यूज स्पेयरिंगली ये भी ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा हर चीज़ को ये करते जाएं। सोच समझ के जिस वक्त जरूरत हो या बहुत जरूरत हो उस वक्त और इसके अलावा जो आ, कुछ जो एक्रोनम्स होते हैं उसमें भी कोई लेटर स्मॉल होते हैं जैसे एक सी ओ भी होता है क्लोज ऑफ बिजनेस जैसे आपने किसी को कोई चीज़ भेजनी है तो आप उसको कहें कि आई विल सेंड इट टू यू बाई फ्राइडे क्लोज ऑफ़ बिज़नेस यानी फ्राइडे की शाम पाँच बजे जब ऑफिस आवर्स ख़त्म होंगे मैं उस वक्त तक आपको भेज दूंगा या भेज दूँगी तो वो ऑफ़ के लिए जो ओ है वो छोटा होगा इसी तरह टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो टी ओ आर में जो ओ है वो छोटा होगा जो कि वो ओफ़ के लिए सो दीज आर लिटल थिंग्स दैट शो हाउ प्रोफेशनल यू आर कितना अच्छा आपका एक्सपोजर है कितने आप अवेयर हैं अपनी रूल्स वगैरह के साथ अच्छा लोगों के नाम जो हैं कई दफ़ा डिफरेंट नाम होते हैं अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंटेल के साथ बात कर रहे हैं तो उनकी हो सकता है ऐसे नाम हो जो आपको स्पेलिंग से आप वाकिफ़ ना हो तो ज़रूरी है कि आप उसको स्पेल चेक के ऊपर ना छोड़ दें बल्कि मेक श्योर करें कि जो उन्होंने अपना नाम लिखा है आप उसको देख के स्पेलिंग्स लिखें या पेस्ट करें या जो भी कुछ जिस मेक श्योर कि उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो अगर आप फारस्टिन नाम लिख रहे हैं जिनसे हम बिल्कुल फेमिलियर नहीं हैं जैसे कि चाइनीज़ या जापनीज़ या कोई तो उनसे भी आपको यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल क्योंकि अगर आप किसी का नाम गलत स्पेल करेंगे अगेन ये पोलाइट बात नहीं है ये रूड है यू कैन ऑफेंड सम और इससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन और आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होगा बल्कि ख़राब होगा तो उसके अलावा ये भी मेक श्योर sure कर लें डिफ़रेंट कल्चर्स के नाम होते हैं कई दफ़ा कोई हम सोचते हैं कि शायद ये खातून का नाम है और उन्होंने ये लिखा हुआ नहीं होता अपने नाम के साथ जिससे आपको आइडिया हो कि ये खातून का या मर्द का है आप मेक श्योर sure कर लें या तो गूगल से सर्च करके देख लें कि ये इस मुल्क में ये नाम औरतों का होता है कि मर्दों का होता है जैसे हमारे भी बहुत से नाम हैं जो दोनों के होते हैं फिर दौस खुर्शीद वगैरह हो सकता है ऐसे कोई नाम हो तो इसमें बड़े केयरफुल हों और अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप नाम लिखने के बजाय उनको डेजिग्नेशन से लिख लें या आप रिस्पेक्टेड सो एंड सो करके उनका वो कर लें लेकिन मिस या मिस्टर अगर लिखना है सो बी वेरी श्योर कि आपको पता है कि आप खातून से हैं या मर्च मखाते हैं एब्रीवियशंस जो हैं वो आप इस्तेमाल करें लेकिन ये कि जैसे एक्रोनम्स हैं हमने कहा यू वगैरह के लिए जो कॉमनली अंडरस्टूड हैं लेकिन जैसे हम टेक्स्ट मैसेजिंग में जो ब्रीफ uh, उनको करके करते हैं uh, वर्ड्स को जैसे वाई ओ यू के बजाय यू डाल दिया ये आप किसी भी सूरत ईमेल्स में ना करें बेशक आपको लगे कि सामने आपका क्लाइंट या जो भी बिज़नेस एसोसिएट है वो कितनी कैजुअली और फ्रेंडली अंदाज में आपसे बात कर रहा है बट यू शुड नॉट स्टेप आउट ऑफ दैट प्रोफेशनल decorum और उस ये इस तरह की एब्रीविएशन जैसे ये कुछ मिसालें आपको दी हुई हैं इस तरह की बिल्कुल नहीं लिखनी चाहिए और जैसे यू की मिसाल दी वो तो एक सबको पता है कि उससे क्या बनता है तो उसको एक्सप्लन करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आप लेसर नॉन्स जो एब्रीविएशन uh, हैं वो यूज़ कर रहे हैं तो जब पहली बार उनको मैंशन करें तो पूरा लफ्स लिख दें जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी पूरा लिख दें और दूसरी बार अगर दोबारा मैंशन करें तो आप पी लिख सकते हैं हो सकता है किसी की नॉलेज में ना हो कि पी से क्या बनता है या कोई और चीज़ यहाँ पे तो सबको मालूम होगा लेकिन अगर कोई आप इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं या इवन अदरवाइज तो उसके अलावा कैपिटल लेटर्स जो हैं uh, वो एब्रीविएशन्स में होने चाहिए जैसे अगर आपने लम्स uh, लिखना है तो उसके सारे लेटर्स कैपिटल होने चाहिए स्मॉल लेटर्स नहीं होने चाहिए इससे बात सिर्फ ये नहीं होती कि आपने अपना मकसद बयान करना है और अगर बात समझ आ रही है तो फिर क्या हो गया नहीं आपने एक इम्प्रेशन बनाना है और उसको अपने कंटेंट को या जो भी आपका मैसेज है उसको प्रॉपरली आपने पैकेज करके कम्युनिकेट करना है अच्छा रन ऑन सेंटेंसेस जो हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हम बोलते भी ऐसे हैं तेज़ी में एक चीज़ दूसरी में मिक्स हो रही होती है हाएवर ई मेल में हमें इसके लिए केयरफुल होना चाहिए और इसके बजाय हमें जो है दोबारा से उसको पढ़ के और देखना चाहिए कि कहाँ पर फुल स्टॉप लगना चाहिए अगली बात शुरू होनी चाहिए या उसमें कैसे आप उसको Uh, इस तरह से उसको वर्ड कर सकते हैं कि उसमें इसकी ज़रूरत ना पड़े फुल स्टॉप की उसकी ज़रूरत ना पड़े येट वो रन ऑन सेंटेंस ना लगे जैसे uh, uh, और पैराग्राफ में भी आप ये देखें कि वो जो उसके सारे पॉइंट्स uh, हैं वो इकट्ठे ही बिलोंग करते हूँ जो एक पैराग्राफ के अंदर आ रहे हैं मिक्स ना हुए हुए इवन इफ यू आर पुटिंग फुल स्टॉप्स एंड मेकिंग सेपरेट सेंटेंसेस लेकिन उसमें भी हो सकता है एक सेंटेंस कहीं का और दूसरा सेंटेंस किसी और थॉट को फॉलो कर रहा सो मेक श्योर थाट्स दैट बिलोंग टुगेदर स्टे टुगेदर एक आइडिया के थॉट्स और सेंटेंसेज एक साथ हों और ये इसको लेकिन उसको हमेशा जरूरी है कि जल्दी में ना भेजें एक दफ़ा उसको दोबारा से पढ़ के और फिर उसको भेजें